हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ योर मैथमेटिक्स क्लास. ओके, इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड टुडे आई विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट टाइप विच इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, इन प्रीवियस क्लासेस वी कंप्लीट आवर प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, एंड देखिए बच्चों, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैं पहले ही बता चुकी हूँ. मतलब विकर्ण आपका होता है, किस तरीके से बनता है, मैं सब कुछ आपको इसके पहले वाले टर्न पे बता दिया है मैंने. ठीक है, डायगोनल मींस क्या होता है, ये वाला जो इस तरीके से आप बनाते हो, ठीक है, या इस तरीके से जो आप बनाते हो, ये होता है आपका डायगोनल. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब देखिए, डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपके होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे. ठीक है, आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो 3 और 0 0 2. ठीक है, आप देख रहे हो डायगोनल कैसे बन रहा है. डायगोनल आपका देखिए ये है, इस तरीके से बन रहा है. ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, ये है आपका, तो इसमें आप क्या देख सकते हो कि ये है आपका डायगोनल, ऐसे बन रहा है. इसके अलावा बाकी जो भी नंबर्स आपके हैं ये सारे ज़ीरो हैं. ठीक है, ये होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझते हो. ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 5 0 0 0 8 0 0 0 9. ओके, तो ये देखिए ये डायगोनल बन रहा है यहाँ पे. तो ये वाला एलिमेंट केवल नंबर्स में है, मतलब 5 8 9 है, बाकी अदर जितने भी एलिमेंट है वो आपके ज़ीरो हैं. इस तरीके के फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ें आपको दी जाती हैं तो आप उसको क्या कहोगे, उसे आप कहोगे डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, ये है आपका, ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है. ठीक है, इसके बाद है आपका स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर इफ़ ऑल द एलिमेंट्स अलॉन्ग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो. ठीक है, मतलब आप ये समझिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है कि ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है, ये एलिमेंट आपका क्या होगा, ये नॉन ज़ीरो होगा, बाकी अदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके ज़ीरो होंगे. तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स. और इसमें कंडीशन ये है कि जो आपके ये वाले एलिमेंट हैं, ये वाले डायगोनल वाले, ये होने चाहिए आपके सेम. ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो ये दोनों भी 2 होगा, यहाँ 5 है तो ये दोनों भी 5 होगा, इस तरीके से. और इसका ये भी एग्जांपल आप देखिए, यहाँ ए है, ये ए है और ये भी ए है. ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ, ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि तीनों एलिमेंट सेम है और ये डायगोनल में दिया हुआ है और अदर सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हैं. ओके, सो ये है बच्चों आपका स्केलर मैट्रिक्स. इसके बाद है बच्चों आपका सब मैट्रिक्स, ये आपका 10th टाइप है. अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय लीव सम रो एंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स. ठीक है, कोई मैट्रिक्स जो होता है वो आपका कुछ रो या कॉलम के लीव करने से. ओके, कोई मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसमें अगर हम कुछ रो और कॉलम आपका लीव कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बच्चों सब मैट्रिक्स. मतलब यहाँ देखिए आप, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे इस तरीके से है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई मैट्रिक्स यहाँ ले लिया. ठीक है, सब मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इसमें से मान लीजिए हम कोई छोटा सा पार्ट ले लें, मतलब जैसे देखिए हम यहाँ ले लें ए बी डी ई, इस तरीके से हमने ले लिया. ठीक है, या तो हमने यहाँ पे ले लिया है, आप देखिए ये था, इसके बाद देखिए हमने लिया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है, ये लिया था हमने, अगर कोई छोटा सा पार्ट ले लिया ए बी डी ई. ठीक है, ये देखिए हमने इतना लिया इसका, इसके बाद मान लीजिए हमने ले लिया बी सी ई एफ, ये हमने छोटा सा पार्ट ले लिया इसका. ओके, तो इस तरीके से आप अगर इन्हीं में से अलग से कोई छोटा सा मैट्रिक्स आप बना लेते हो तो वो क्या कहलाता है, ये जो कहलाएगा इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा. ठीक है,
आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि ये जो है आपका इस वाले मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है। ओके, ये हो गया है आपका सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपका होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ ए आई जे क्या होगा आपका, जीरो होगा, जहाँ फॉर एवरी आई आपका जो होगा वो जे से बड़ा होना चाहिए। देयरफोर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर इक्वल टू ज़ीरो। मतलब मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अगर आपके ज़ीरो होंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे बच्चों आप ये एग्जांपल देख सकते हो क्या होता है अपर मैट लोअर जस्ट मिनट अपर मैट्रिक्स क्या है, जो आपका मेन डायगोनल ये है, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये वाले भी हों, सिर्फ आपके इसके लोअर वाले नीचे वाले एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स आपके होंगे ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अपर मैट्रिक्स। ओके, इसका देखिए ये भी एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या है ये बच्चों, आप देखिए ये इधर के जितने भी नंबर्स हैं, ये वाले ये सारे क्या हैं, नंबर्स आपके दिए हुए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, और इसके नीचे के जितने भी ये इधर वाले नंबर्स हैं ये सारे आपके ज़ीरो हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखिए कि जब हमने इसमें डायगोनल देखा, डायगोनल हमारा ये है, ठीक है, ये है हमारा डायगोनल, इसके ऊपर के जितने भी पार्ट हैं वो सारे नंबर्स ही हैं 2 4 8 3 2 इस तरीके से, और इसके नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इक्वल हैं, मतलब वो सारे ज़ीरो दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में भी है आपका। आप देखिए ये जो हमारा बन रहा है इस तरीके से, ये देखिए ये ट्रायंगल के फॉर्म में भी है। ओके, तो ये होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए लोअर में क्या होता है, जैसे आपने अपर में पढ़ा, जैसे बच्चों आप जानते हो अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे, और यहाँ अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आपको ये समझना होगा, अपर में होता है आपका डायगोनल के नीचे के जितने भी नंबर हैं वो सब ज़ीरो होंगे, लोअर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये होती है कंडीशन, आप यहाँ इसको रीड कर सकते हो, और इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, जैसे ये है, इसमें देखिए डायगोनल बना, इसके ऊपर का नंबर ये ज़ीरो है और नीचे देखिए आपका बी दिया हुआ है। इसके बाद ये देखिए, जैसे इसमें ये डायगोनल बना, ठीक है, इसमें देखिए ये जो नंबर आपके हैं ये सब आपके 2 4 8 इस तरीके से दिए हैं, और ऊपर जो नंबर ये है ये सारे आपके ज़ीरो हैं। ठीक है, सो बच्चों देखिए आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप इसका, कंपेरेबल मैट्रिक्स और जो भी टाइप्स आपके रिमेनिंग है इसमें। ओके, सो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं, आई होप कि सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।